नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक टीवी। मैं आपके साथ हूं प्रशांत त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव होने को है, लेकिन इससे पहले यूपी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल RLD का क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा छिन गया। बीते दिन सोमवार को चुनाव आयोग ने ऐलान किया कि रालोद का उत्तर प्रदेश से और भारत राष्ट्र समिति RBS से आंध्र प्रदेश में क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया गया है। रालोद की ओर से राज्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखा गया है कि हमारे चुनाव चिन्ह हैंडपंप को राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशियों के लिए सभी सीटों पर आरक्षित करें। इस पत्र के बाद हैंडपंप चुनाव चिन्ह को आरक्षित करने का फैसला अब राज्य निर्वाचन आयुक्त ही करेंगे। वे अगर रालोद की इस अर्जी को स्वीकार कर लेंगे तो उनके सभी प्रत्याशी एक चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ सकते हैं। अगर चुनाव आयुक्त ने उनकी यह अर्जी नहीं स्वीकारी तो उम्मीदवारों को हैंडपंप मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको बता दें कि बीते दिन यानी सोमवार शाम निर्वाचन आयोग ने 3 राष्ट्रीय पार्टियों और 2 क्षेत्रीय पार्टियों से दर्जा वापस लिया था। वहीं एक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया था। निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रवादी कांग्रेस NCP, तृणमूल कांग्रेस TMC और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस लिया। इसके अलावा आम आदमी पार्टी को अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया था। साथ ही क्षेत्रीय दलों में निर्वाचन आयोग ने भारत राष्ट्र समिति BRS से आंध्र प्रदेश में और राष्ट्रीय लोकदल RLD से UP में क्षेत्रीय दल का दर्जा वापस लिया है। चुनाव आयोग के मुताबिक इन दलों को जो दर्जा दिया गया था उसके हिसाब से ये दल चुनावों में उतना रिजल्ट नहीं ला पाए, इसलिए यह दर्जा वापस लिया गया है। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खोने के मामले में TMC, NCP और CPI पर एक्शन लेते हुए चुनाव आयोग ने कहा था कि इन्हें 2 संसदीय चुनाव और 31 राज्य विधानसभा चुनावों के पर्याप्त मौके दिए गए थे। इसके बाद इन दलों के प्रदर्शन को रिव्यू किया गया और फिर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया गया। हालांकि ये पार्टियां आगे के चुनावी चक्र में प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा वापस हासिल कर सकती हैं। 2022 में हुए उत्तर प्रदेश चुनाव, विधानसभा चुनाव के और 2014 में हुए लोकसभा चुनाव के आम चुनाव में पार्टी के चुनावी प्रदर्शन के आधार पर चुनाव आयोग ने रिव्यू शुरू किया था। इस रिव्यू में चुनाव आयोग ने पाया कि 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी ने से 403 सीटों में से मात्र 9 सीटों पर जीत हासिल की थी और 2.33% वोट हासिल किए थे। और 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से पार्टी ने कोई सीट नहीं जीती और सिर्फ 0.86% वोट ही हासिल कर पाई। पार्टी के इस प्रदर्शन को रिव्यू करने के बाद आयोग ने यह पाया कि उत्तर प्रदेश राज्य में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता के लिए रालोद निर्धारित किसी भी मानदंड से मेल नहीं खाता है। धन्यवाद। देखते